हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इन्फो रेडिएशन पे, जहां डीआरटी और बीआरटी की क्लासेस लगातार चल रही है। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे एक्सरे फिल्म डेंसिटी के बारे में, ठीक है, जो एक रेडियोग्राफी का पार्ट है। डेंसिटी, एक्सरे फिल्म डेंसिटी। अब देखिए, डेंसिटी का मतलब क्या होता है। आपने एक्सरे फिल्म देखी है कभी? एक्सरे फिल्म के अंदर दो कलर होते हैं मेजरली, व्हाइट और ब्लैक, और इस बीच में ग्रे स्केल पे काफी सारे कलर्स के रूप में चलता है। अब हमारी जो डेंसिटी है, इसका मतलब, इस वर्ड का मतलब क्या है? इस वर्ड का मतलब है द डिग्री ऑफ ब्लैकनेस ऑन दिस फिल्म। देखो, आपको ब्लैकनेस दिखाई दे रही होगी, इसमें पता नहीं आपको दिखेगी नहीं दिखेगी, आप एक्सरे देखिएगा कभी, उस पर जो ब्लैकनेस दिखाई देती है, द डिग्री ऑफ ब्लैकनेस मतलब कहां पे कितना गहरा काला होना है। ब्लैक, एक तो हल्का ब्लैक, एक गहरा ब्लैक, तो कुछ ब्लैक का भी कौन सा पार्ट, ठीक है। तो वो थी आपकी डेंसिटी, द डिग्री ऑफ ब्लैकनेस। जहां पे ज्यादा ब्लैक है, इसका मतलब वहां पे रेडिएशन ज्यादा हिट करी है, ठीक है। अब देखो, इसको आगे समझते हैं। रेडिएशन इंटेंसिटी पहला पॉइंट हो गया कि ब्लैकनेस को डेंसिटी कहते हैं, कि कहां पे कितनी ब्लैकनेस होगी, इसको डेंसिटी टर्म दिया गया है, ठीक है, वहां डेंसिटी ज्यादा है। रेडिएशन इंटेंसिटी ज्यादा है, जहां पे रेडिएशन इंटेंसिटी ज्यादा है वहां ब्लैकनेस ज्यादा होगी, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। रेडिएशन इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्लैकनेस, मतलब जहां पे ब्लैकनेस है वहां पे रेडिएशन इंटेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। अब इसको और सिंपल करते हैं, ठीक है। इसको एक टर्म दिया गया है डेंसिटी या ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। अब मान लो दो बिंदु है, एक व्हाइट और ब्लैक, दोनों के बीच किस चीज का डिफरेंस है? दोनों के बीच एक्सरे इंटेंसिटी का डिफरेंस है। एक हल्का ब्लैक, एक गहरा ब्लैक। एक्सरे में देखा हमने तीन, चलो तीन एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, चीज को। एक है गहरा ब्लैक, एक है हल्का ब्लैक, एक है व्हाइट, ठीक है। तीनों में अंतर क्या है? तीनों में अंतर है एक्सरे इंटेंसिटी का। जहां पे इंटेंसिटी ज्यादा थी वहां सबसे ज्यादा ब्लैक हुआ, जहां पे इंटेंसिटी कम थी वहां थोड़ा कम ब्लैक हुआ, और जहां पे इंटेंसिटी बहुत कम थी वहां व्हाइट हुआ, ठीक है। अब इस व्हाइट, गहरा ब्लैक, हल्का ब्लैक, इसको हमने नाम दिया डेंसिटी, कि जहां पे डेंसिटी ज्यादा है मतलब यहां पे ज्यादा डेंसिटी है, इसका मतलब यहां पे ज्यादा ब्लैकनेस है। बोलो ना आपको, डेंसिटी मतलब ब्लैकनेस, जहां पे ज्यादा ब्लैकनेस वहां मतलब ज्यादा डेंसिटी, मतलब ज्यादा रेडिएशन, ठीक है। अब इसको एक फॉर्मूले समझते हैं। जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो लॉग बेस 10 आई नॉट अपॉन आई टी। अब आई नॉट क्या है? आई नॉट है जो इंसिडेंट, जितनी भी रेडिएशन आ रही है उस सबकी इंटेंसिटी, ठीक है, जितनी भी रेडिएशन आ रही है उन सबकी इंटेंसिटी आई नॉट, और फिल्म को पार करने के बाद जो ट्रांसमिट हुई है इंटेंसिटी, वो इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिट आई टी। तो आई नॉट आई टी, ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है, लॉग 10 का। अब देखो इसको समझते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल के जरिए। मैं मान के चलता हूं यहां पे 100 फोटॉन्स यहां पे ट्रांसमिट हुए होंगे, आई नॉट बराबर 100, और यहां पे आप मान के चलो 50% या फिर पहले मैं मान के चलता हूं एक, कि 100 फोटॉन्स में से केवल एक फोटॉन्स इस एक्सरे फिल्म को ट्रांसमिट करके गया, बाकी 99 फोटॉन इसी फिल्म में अब्सॉर्ब हो गए, ठीक है। अब देखो इसमें यहां पर रखते हैं आई नॉट बराबर 100 अपॉन 1 10 की पावर 2, 100 को लिख सकता हूं 10 की पावर 2, लॉग बेस 10, 2 आगे आता है, लॉग बेस 10 और 10 1 होता है, और इसका आएगा 2, ठीक है। जो हमारी जो रेडियोलॉजिकल एक्सरे में हम देखते हैं डेंसिटी, वो काम करती है 0.25 से 2.0, ये इसकी रेंज है। इस रेंज के अंदर हमारी ऑप्टिकल डेंसिटी वर्क करती है, इसी डेंसिटी में हमारी एक्सरे फिल्में बनती है। अब इन दोनों का मतलब मैं समझाना चाहता हूं आपको, कि जो डायग्नोस्टिक रेंज है 0.25 से 2, ये रेंज क्या है एक्चुअली में ये रेंज ये है कि जो हमारी एक्सरे फिल्म है वहां पर अगर 100 फोटोन गिर रहे हैं तो वहां से केवल एक फोटोन निकलेगा मैक्सिमम रेंज के अंदर, ठीक है, तब जाके ये निकलेगा। 0.25 का मतलब मान लो यहां पे
100 फोटोन है, यहां पे मान करता हूं 50 फोटोन पार हो गए, कितने 50। अब देखो यहां पे रखते हैं हम 100/50, 100/50 ठीक है, दो लॉग 10 की पावर 2 कितना होता है 0.3, तो 0.30 इससे कम, इससे कम ठीक है, तो इसके आसपास मतलब 50% से थोड़े कम फोटोन निकलने चाहिए, ये होता है हमारा ये ठीक है। ये हो गया आपका ऑप्टिकल डेंसिटी। अब एक्चुअल में एक वर्ड हो रहा था ट्रांसमिटेंस, ट्रांसमिटेंस और ऑप्टिकल डेंसिटी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ठीक है, वो कैसे है? ट्रांसमिटेंस होता है कि आई टी अपॉन आई नोट, कि जो पार हुए हैं वो और जो टोटल थे उनका डिवाइडेशन, कि मान लो 50 फोटोन पार हो गए तो 50/100 मतलब 1/2 0.5 ट्रांसमिटेंस, 0.5 का मतलब 50% ट्रांसमिटेंस। अगर यहां पे 100 में से 10 फोटोन पार हो गए तो 10% ट्रांसमिटेंस, मतलब कितना ट्रांसमिट कर पा रहा है वो तो ट्रांसमिटेंस, और कितना अब्सॉर्ब कर रहा है वो डेंसिटी आपकी। और एक चीज आती है, हम एक्सरे फिल्म को देखते हैं कई बार बहुत ज्यादा ब्लैक हो जाती है, वो क्यों? क्योंकि ज्यादा रेडिएशन आ जाती है और वहां पे ज्यादा ब्लैकनेस आ जाती है। मैंने पहले बताया आपको डेंसिटी मतलब ब्लैकनेस, ज्यादा ब्लैकनेस ज्यादा डेंसिटी, तो अगर कोई फिल्म ज्यादा ब्लैक है, जहां व्हाइट होना है वहां पे ब्लैकनेस दर्शा रही है, तो मतलब वो ओवर एक्सपोज्ड है, और जहां पे उसको मतलब व्हाइटनेस ज्यादा है, पूरी फिल्म में व्हाइटनेस ज्यादा है, तो मतलब वो अंडर एक्सपोज्ड है, उसको रेडिएशन की मात्रा मतलब एक्सपोजर हमें बढ़ाना है। कई बार हम जब प्रैक्टिकली इस चीज को करेंगे तो हमारी कई बार ऐसा होगा कि फिल्म जो उसकी डेंसिटी है वो हमें एक्चुअल नहीं मिल पाएगी। मान लो फैटी पेशेंट है तो उसके लिए हमें एक्सपोजर बढ़ाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जो रेडिएशन है वो सारी उसकी बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाएगी, फिल्म तक कम रेडिएशन पहुंचेगी, कम पहुंचेगी तो कम ऑब्जर्वेशन, तो समझ रहे हो? तो उस चीज को अगर डेंसिटी को हमें इक्वल करना, अच्छा करना है, तो हमें वहां पे एक्चुअल में अच्छी जो सही मात्रा में रेडिएशन है वो पहुंचानी पड़ेगी ठीक है। ये ओवर एक्सपोज अंडर एक्सपोज पता चला, और ये डिपेंडेंस किस किस पे करती है एक बार और देख लेते हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी डिपेंड करती है एमएएस के ऊपर, एमएएस मतलब जो आपकी एक्सरे ट्यूब है, कैथोड एनोड, कैथोड को हमने करंट दिया तब जाके वहां से इलेक्ट्रॉन निकले, तो एमएएस का मतलब ही है कि उन इलेक्ट्रॉनों को बढ़ाना। एमएएस बढ़ाने का मतलब क्या, कि करंट बढ़ाना, करंट बढ़ाना मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ाना, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाना, जितने ज्यादा नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उतने ज्यादा टकराएंगे एनोड पे जाके, जितने ज्यादा टकराएंगे उतनी ज्यादा रेडिएशन निकलेगी, जितनी ज्यादा रेडिएशन उतनी ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी, तो एमएएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। दूसरा आता है केवीपी, ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है ऑप्टिकल डेंसिटी के, मतलब ये केवीपी का मतलब क्या, अट्रैक्शन पावर कैथोड और एनोड के बीच में, तो जैसे ही कैथोड से इलेक्ट्रॉन चले एनोड की तरफ तेजी से, हाई पेनिट्रेटिंग पावर वाली रेडिएशन निकलेगी तो ज्यादा ब्लैकनेस शो करेगी, तो प्रोपोर्शनल टू, ये कॉन्ट्रास्ट के प्रोपोर्शनल टू होता है। अगर कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है हमें फिल्म का तो हमें केवीपी इंक्रीज करना होगा, ये टेक्निकल फैक्टर है। एसआईडी सोर्स टू इमेज डिस्टेंस, अगर हम डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो इंटेंसिटी कम होती जाएगी, और जितनी कम इंटेंसिटी उतनी कम डेंसिटी, तो इसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अपोजिट होती है। आपको सामने आया होगा थोड़ा बहुत, लोग को यूज लेते हैं, लोग क्या करता है बड़े, जो बड़े हमारे मेजरमेंट होते हैं उनको शॉर्ट और बहुत आसान शब्दों में कर देता है ठीक है, बहुत बड़े नंबर्स काउंटिंग की जरूरत नहीं पड़ती, कम से कम नंबर्स में हमारा काम हो जाता है। अब जैसे देखो डायग्नोस्टिक रेंज 0.252, अभी क्या है लोग के कारण आई नोट से आई टी इनके दोनों का जो वो थे यूनिट वो तो क्रॉस हो गई, और नंबर्स में 0.25 से 2 डायग्नोस्टिक रेंज, ये थोड़ा ध्यान में रखना है आपको चीजें। ये समझना चाहिए डेंसिटी है क्या चीज, बता दिया आपको ब्लैकनेस, कि कोई फिल्म कितनी ब्लैक हो रही है वो उसकी ब्लैकनेस वो कहलाती है डेंसिटी ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है और ऐसी वीडियो देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।